हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से शुरू कर दिया है हमने नया ब्लॉग नए दिन के साथ और नई सोच के साथ। और भाई, सुबह सुबह का वॉकिंग टाइम है हमारा। और ये देख लो, ये भाई ये बहुत जिद करता है भाई, पीछे पीछे आ जाता है। ठीक है छोटा, लेकिन भाई ये छोटा पॉकेट बड़ा धमाका वाला हिसाब है, काफ़ी जिद करता है। और एक्चुअली मैं जा रहे हैं हम आज अपने काम को देखने के लिए, जहाँ हमारे गांव का रास्ता बन रहा है और ये आउट ऑफ विलेज, मतलब आउट ऑफ विलेज रास्ते का मतलब ये है कि जो गांव के बाहर के रास्ते हैं, जहाँ से अक्सर गांव की महिलाएं घास लकड़ी ये सब लाती है जंगल से, वही रास्ते अब सीमेंट एंड खोदने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है और इस प्रकार के कार्य गांव में होना करवाना करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो सुबह थोड़ा फ्री थे तो सोचा कि चलो देख के आते हैं किस प्रकार का लोग काम कर रहे हैं और किस प्रकार के लोग रास्ते बना रहे हैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। और दगड़ियों यार, काफ़ी दिन से बहुत कम लोग वॉच करते हो वीडियो, क्या बात है, अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपको अपनी कंडीशन बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल यूज़ करता हूँ, इसके सिवाय मेरे पास दूसरा गैजेट कोई सा भी नहीं है। आप समझ सकते हो, माइक और कुछ भी नहीं है, ट्राईपोड भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा हिलती भी है। बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम जल्दी ही दूर हो जाएगी और आप लोगों को अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो देखने को मिलेगी। तो दगड़ियों, पहुँच गए हम अपने जहाँ से रास्ते शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ अब बैक कैमरा से, यहाँ से बन रहे हैं भाई ये रास्ते, देख रहे हो, यहाँ तक पहले से बना हुआ था, यहाँ से नया सीमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये नया नया मैं और आयुष, आयुष हाई कर दो, हाय हाय कर दो, आयुष और मैं जा रहे हैं। देख रहे हो, तो ये रास्ते बन रहे हैं भाई, और इस तरह से काम हो रहा है, देख रहे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से। और भाई यहाँ जो है साइज वाइज ज़्यादा डिफेंड नहीं करता है, क्योंकि भाई प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति गांव की ऐसी है कि जिस प्रकार से अच्छा लगता है उस प्रकार से करना पड़ता है, और यही इनका साइज बन जाता है भाई। हालांकि सरकारी मापक कुछ और होते हैं, बट भाई ये सब यहाँ जो है नॉर्मल डेली वेज बेस पे किया जाता है। और ये देख रहे हो, इस प्रकार के बन रहे हैं भाई, और वो रहे हमारे मिस्त्री साहब। मिस्त्री साहब हाय कर दो, हेलो, ये देख रहे हो। ठीक है, और ये है वो, क्या भाई एक माप क्या चाहिए, हैं कदम मतलब लंबाई कदा चाहिए, 100 मीटर है, 100 मीटर ना, कहाँ है वो प्रधान जी, कहाँ है? तो ये बन रहा है भाई, ठीक है, 100 मीटर का रास्ता है। तो इसकी चौड़ाई भाई मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ देख के तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई लग रही है इसकी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लग रही है भाई इसकी चौड़ाई, ये देख रहा। और गजब का काम हो रहा है भाई देखने में, ये आप समझ सकते हो, ऐसी तो भाई हाईवे के लिए रोड भी नहीं जाती है। ठीक है, ऐसा बन रहा है। और ये देखो, तो कल से यहाँ जो है सीमेंट डालना स्टार्ट कर दिया है, और देख सकते हो आप इतना काम हो चुका है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। देख लो इधर जो है ये बेलचा लगा रहे हैं, मसाला तैयार हो रहा है, और इधर मिस्त्री साहब खड़ंजा को सेट करते हुए मसाले को भी बिल्कुल सेट किया जाता है। तो भाई मल्टी टैलेंटेड लोग गांव में होते हैं, जो कि हर प्रकार के काम जानते हैं, और इनका अनुभव ही इनका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है काफ़ी लोग हैं, दे ऊपर गए हैं, कोई पत्थर ला रहे हैं, कोई मसाला तैयार कर रहे हैं, कोई जो है पानी ला रहे हैं, कुछ इस प्रकार के काम होते हैं। और इस रास्ते पे जो है ये पानी की डिग्गी हमारे सामने ही है, तो थोड़ा पानी के लिए ये अच्छा हो गया,
नहीं तो भाई काफ़ी दूर से भी ऐसे रास्तों के लिए पानी लाना पड़ता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बजट लगता है भाई वो काफ़ी धन की एक तरह से हानि होती है। बट यहाँ पे पानी सामने सामने है तो थोड़ा सूटेबल हो गया, ठीक है। और 100 मीटर का रास्ता है, तो जब ये रास्ता पूरा बन जाएगा फिर भी मैं आप लोगों तक एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा इसकी, ठीक है। और यही चल रहा है भाई गांव में आजकल। आयुष सिंह जो है ये लिटिल प्रधान जी, और ये काम का निरीक्षण करने के लिए जा रहा है, ठीक है। ये काम देखेगा यहाँ पे कैसा हो रहा है। चल देख रहे काम बढ़िया होगा कि नहीं होगा, चल देख काम कौन होने कौन होने दे रहा है। ऐसे बोल वेरी गुड, वेरी गुड बोल, वेरी गुड बोल दादी, गुड बोल दादी, गुड बेल चपा दुई हारिम छो दी, बेल चपा दुई हारिम छो, बस काम पर आयत्र हो, काम पर आयत्र हो तो काम करें तो मुझे काला धारा बहुत मेहनत का काम होता है भाई, जितना आसान आपको दिखने में लग रहा है ना इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। खैर इन लोगों को आदत पड़ गई है, इनको कुछ परवाह नहीं है, बट अगर आप लोग करोगे ना तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, पूरा पसीना। और दगड़ो एक बात और है, ये गांव में जो है आदमियों की काफ़ी भारी कमी है भाई, ठीक है। बट एडजस्ट चलता है भाई, अब क्या करे, 2 दिन का काम 10 दिन में होगा भाई क्या होगा, ठीक है। पर गाँव में काम तो चलेगा ही भाई, ठीक है, आदमी एक भी रहेगा तो वो भी करता ही रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इन लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका है बिल्कुल ही। अरे अरे मुख पर धूला मो अमर साल है गिज फट जाल इन्हीं वह कुकरा ढांट त्या बोल बोल हमें रुद्रपुर नहीं ले जाने फिर तो ये देखो। तो दगड़ो आ गए हैं मैं और लिटिल मास्टर ये, ठीक है, काम का निरीक्षण करके, और काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से काम हो रहा है भाई, ठीक है। और हमारे गाँव की ये खास विशेषता भी है, यहाँ जो है हर काम जो है अपना निजी काम समझ के किया जाता है, और काफ़ी अच्छा रहता है वो गांव के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई बजट तो सरकार देती है बट उस चीज़ को सही यूटिलाइज़ करना हम लोगों के ऊपर होता है, ठीक है। हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, और अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं तो भाई ये रास्ते हमारे 12 महीनों वाले हैं तो हमारे लिए सुविधा होती है। और अगर भाई हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो बजट तो एक बार आ जाएगा रास्ता के लिए, बट भाई वो दिक्कत करेगा हमको 12 महीने। हमारे बहुत सारे काम होते हैं गांव में जो इन रास्तों से होके करने पड़ते हैं हमको, तो उस टाइम जो है हमको एहसास होता है कि हमने कैसा काम किया है, ठीक है। तो आई होप आप भी समझ गए होंगे कि क्यों लोग जो है इतनी शिद्दत से इन रास्तों में काम करते हैं, ठीक है। तो यही था, और हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है जब इस प्रकार का काम लोग गाँव में करते हैं, सरकारी योजनाओं का अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने गांव में इसी प्रकार के इसी स्तर के काम करवाओगे और करने को कहोगे, ठीक है। तो यही था दगड़ियों आज मॉर्निंग का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक जानकारी और आपको देता हूँ, सब्सक्रिप्शन का जो बटन होता है अब वो ब्लैक कलर का हो गया है, ये नया अपडेट यूट्यूब पे आ चुका है, ठीक है। तो अब जो पहले रेड कलर का आपको दिखाई देता था अब वो ब्लैक कलर का हो गया है, तो उसको प्रेस कर दिए ज़रूर, और बेल आइकॉन होता है एक उसको भी प्रेस कर लें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अच्छे से मेरे पहाड़ तक की वीडियो को देख सको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सारी बात समझ गए होंगे, ज़रूर सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों, आयुष बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय बाय। तो आयुष की तरफ से भी बाय सुन लो।